नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। युद्ध के 38 दिन बाद यूक्रेन में रूसी सेना के पांव उखड़े। यूक्रेन की राजधानी कीव में पूरी तरह बाहर हुई रूस की सेना। बाजार और दफ्तर खुले, 7 मोर्चे पर रूसी सेना पीछे है। पाकिस्तान में इमरान सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू। रविवार को अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में होगी वोटिंग। सेना से मतभेद खुलकर सामने आए। इमरान ने अमेरिका पर साधा निशाना। सेना बोली, अमेरिका से अच्छे संबंध। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद बिगड़े हालात के बीच आपातकाल का ऐलान। ईंधन संकट और पावर कट के साथ बिगड़े हालात। सड़क पर उतरे लोग, कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन। कोलंबो में आगजनी और तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव हुए पीएम मोदी के मुरीद। ट्वीट कर किया फॉलो। नवरात्रि में आएंगे अयोध्या दर्शन करने। योगी से भी मिल चुके हैं शिवपाल। मिशन गुजरात को लेकर मैदान में अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत भी रहे मौजूद। मिशन 2023 के लिए शिवराज का रोजगार दाव। मध्य प्रदेश पुलिस में 5,000 होगी भर्ती। इन दिनों 6,000 आरक्षक पदों पर चल रही भर्ती। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम के बाद महंगाई की आग। 12 दिन में 7 रुपए से अधिक बढ़ चुके हैं दाम। 2 साल में 2 गुने हुई महंगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने सीमा पार रेल नेटवर्क एवं बिजली पोषण लाइन का उद्घाटन किया। 8 साल बाद जयनगर से जनकपुर तक चलेगी ट्रेन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के लिए सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगले चुनाव तक पेट्रोल 275 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने संपत्ति कर की व्यापक श्रेणियों में संशोधन लागू करने की घोषणा की। स्थानीय निकायों के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए कर में 150% तक की वृद्धि का रखा प्रस्ताव। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस और कई अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री महंगाई के मामले में धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि इसमें वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने कहा, भारत के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। कहा, इस्लामाबाद कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाने में रखता है विश्वास। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हत्याओं के संबंध में गिरफ्तार किए गए 9 लोगों की फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच कराने का फैसला किया। टीएमसी नेता की हत्या के बाद 10 घरों को जलाया गया था। 8 लोगों के शव हुए थे बरामद। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, चिराग जी ने कहा था कि वह हनुमान है। उनका चुनाव चिन्ह जो असली घर था, वह भाजपा ने उनसे छीन लिया। हनुमान के घर में ही आग लगा दी गई। चिराग जी और पासवान जी वह हमेशा भाजपा की तरफ खड़े रहे। चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी। पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टरों की डायमंड जुबली कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर दिया है बल। अतीत में हम डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाए थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, पंजाब में जो सरकार आई है ये बच्चा पार्टी है। इन्हें मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ का मुद्दा है, लेकिन वह अकेला मुद्दा नहीं है, उसके साथ और भी कई मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को रामबन से 25 रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिया। उनके दस्तावेजों को किया जा रहा है सत्यापन। उन्हें हीरानगर के एक होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया है। राजकुमार राव हुए ठगी का शिकार। उनके पैन कार्ड का मिसयूज कर किसी ने लिया 2500 रुपए का लोन। पुष्पा फेम रश्मिका मंदना को फिल्म एनिमल के लिए किया साइन। रणबीर कपूर की हीरोइन का निभाएगी रोल। अनिल कपूर और बॉबी देओल है फिल्म के अन्य कलाकार। यह थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।